हेलो फ्रेंड्स, azazoomkitchen.com में आपका स्वागत है। आज मैं आपके संग शेयर करने जा रही हूँ ये 3 लेयर और 1 kg का पाइनएप्पल केक की रेसिपी, जो कि एगलेस है और बिना किसी अवन के है। इस केक को मैंने अपनी वेडिंग एनिवर्सरी के दिन बनाया था, जो कि खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी और डिलीशियस बना था। आप इसे बर्थडे पार्टी या फिर अपनी किसी भी ओकेशन बना सकते हैं, या फिर अगर आप केक लवर हैं तो इसको तो आप कभी भी बना के खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है, साथ ही इसमें बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स भी मैंने रेसिपी में शेयर करे हैं। तो आप इस रेसिपी को प्लीज पूरा देखें, पसंद आए लाइक शेयर एंड कमेंट्स करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेसिपी में यूज प्रोडक्ट की डिटेल्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दी है, तो आप वहां से जाके उसको चेक कर सकते हैं और अगर पसंद आए तो परचेस भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे हम बिना किसी अवन के बनाएंगे, तो जिसके लिए मैंने यहाँ पे एक हैवी बॉटम वाला एक बर्तन ले लिया है। मैं पतीला ले रही हूँ जिसे मैंने स्लो फ्लेम पे रख दिया है, तो इसे हम प्री हीट करेंगे। केक टिन को लिफ्ट करने के लिए एक वायर स्टैंड रख दिया है और ढक के इसे 10 मिनट के लिए प्री हीट करेंगे। तब तक हम हमारा केक टिन रेडी करेंगे। तो यहाँ पे 6 इंच का मैंने केक टिन ले लिया है, जिसको मैं ऑयल से ब्रश कर दूंगी। तो ये राउंड वाला मैंने केक टिन लिया है। अब इसके अंदर हम रखेंगे एक पार्चमेंट पेपर, जिसको मैंने सर्कल कट में काट लिया है। इसके ऊपर भी हम हल्का सा ऑयल स्प्रेड करेंगे, अच्छे से फैलाएंगे, लेकिन ऑयल आपको ज्यादा नहीं लगाना है। और अगर बटर पेपर नहीं है तो आप 1 चम्मच सूखा मैदा डाल के इसको अच्छे से डस्ट करके कोट कर दें, साइड रखेंगे इसे। अपना केक बैटर बनाएंगे। अब हम एक मिक्सिंग बाउल में डालेंगे हम 1/4 कप फ्लेवरलेस कुकिंग ऑयल, 1/3 कप डालेंगे पाउडर शुगर, 1/2 कप डालेंगे यहाँ पे हम कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क ना हो तो आप दही का यूज कर सकते हैं, या फिर 1/2 कप में आधा आधा दही और कंडेंस मिल्क ले सकते हैं। अब यहाँ पे हम पाइनएप्पल फ्लेवर का एसेंस डाल देंगे और इसको अच्छी तरीके से हम विस्क कर लेंगे। तो विस्कर की हेल्प से इसको आप पूरी तरीके से मिलने तक चलाते रहे। 2 से 3 मिनट में हमारा ये मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो अब हम इसके ऊपर रखेंगे 1 छन्नी और अपना ड्राई इंग्रेडिएंट डालेंगे। 1 कप डालेंगे ऑल पर्पस फ्लावर, 1 टीस्पून डालेंगे बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून डालेंगे बेकिंग सोडा, पिंच ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट डालने से हमारा जो केक का मीठा है वो बिल्कुल बैलेंस रहता है और इससे जो भी फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छी तरीके से एनहेंस हो जाता है। तो इन सबको हम अच्छे से छान देंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट को आप हमेशा छान के ही केक बैटर को बनाने में यूज करें, इससे जो हमारा केक है वो बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी बनता है। अब इसे हम एक स्पैचुला की मदद से कट एंड फोल्ड मेथड से मिला लेंगे। तो पहले वाले जो भी वेट इंग्रेडिएंट है उसके साथ हमारा ड्राई इंग्रेडिएंट मिलाएंगे। फिर यहाँ पे हम 3/4 कप रूम टेम्परेचर पे मिल्क लेंगे, जिसे ग्रेजुअली एड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1/4 कप मिल्क डाल लिया है, उसको मिलाने के बाद फिर मैंने 1/4 कप मिल्क ले लिया है। इसके पूरे मिलने के बाद मेरे बैटर की कंसिस्टेंसी अभी बिल्कुल परफेक्ट नहीं आई है, तो यहाँ पे 1 टेबल स्पून मैंने मिल्क और डाल दिया है। तो टोटल 1/2 कप प्लस 1 टेबल स्पून मैंने लिया है मिल्क। और हमारा जो ये केक बटर है, देखिए कुछ इस तरीके से हमारा केक बटर रेडी हो जाता है रिबन कंसिस्टेंसी में। तो अब इसे हम एक केक टिन में कर लेंगे ट्रांसफर। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो ये केक बटर है कुछ इस तरीके का होना चाहिए, जैसा कि आपको ये वीडियो में दिख रहा है। तो इसके लिए आप दूध कम ज्यादा भी यूज कर सकते हैं। टैप कर देंगे हमारे केक टिन को, जिससे एयर बबल एक्स्ट्रा रिमूव हो जाए। तो अब हम इसको बेक करने के लिए ले जाएंगे। अब हमारा बर्तन भी अच्छे से हो गया है प्री हीट, इसमें सावधानी से हमारा केक टिन रख देंगे और ढक्कन लगा के इसे कम से कम 40 से 45 मिनट के लिए बेक होने देंगे बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। और आप अपने फोन में टाइमर जरूर सेट कर लें, इससे केक बेक करने में आसानी होती है। 45 मिनट हो गए हैं, हमारे केक स्पॉन्ज को आप चेक करेंगे एक स्क्यूअर की मदद से। तो सेंटर में इंसर्ट करके चेक करेंगे, ये देखिए हमारी जो स्क्यूअर है क्लीन आई है। चाकू की मदद से भी चेक कर सकते हैं। अब इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। हमारा केक ठंडा हो गया है, अब इसे हम डीमोल्ड कर लेंगे एक चाकू की मदद से। मैं इसके एजेस को बिल्कुल लूज कर दूंगी। और केक ठंडे होने के पीरियड में ही आप अपने केक की व्हिप क्रीम, आइसिंग जेल जो भी है यूज करना चाहते हैं वो बना के रेडी कर लें। और अब इसका बटर पेपर हम निकाल देंगे।
ये देखिए कितना परफेक्ट स्पॉन्ज हमारा बनके रेडी हुआ है। ये देखिए मैं दबा रही हूँ, कितना बढ़िया स्पॉन्जी है ये। आप इसके चाहे तो कोने के जो स्क्रैप है वो निकाल सकते हैं या फिर इसको एज इट इज यूज करें। अब एक केक बोर्ड पे और टर्न टेबल पे मैंने ले लिया है हमारा केक स्पॉन्ज। अब इसका जो ये अनइवन पार्ट है इसको मैं ट्रिम कर लूंगी। आप देख सकते हैं कि नाइफ कितनी स्मूथली वर्क कर रही है। तो पहले मैं इसके कोने कोने में हल्का सा कट मार के थ्रेड को इसमें फंसा दूंगी और क्रॉस करके इसको हम खींचेंगे। ये देखिए परफेक्ट स्लाइस हमें मिल गई है हमारी। स्पॉन्ज देखिए कितना बढ़िया बना है। अब हाफ इंच के कट में हम 3 स्लाइस काटेंगे क्योंकि आज मैं यहाँ पे 3 स्लाइस से केक बना रही हूँ, तो इसका वेट और प्लस हाइट दोनों ही ज्यादा होगी। तो थ्रेड की मदद से पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ और फिर यहाँ पे मैं नाइफ की मदद से किस तरीके से काटते हैं वो भी आपको बताऊंगी। तो आपको अच्छे से केक की जो स्पॉन्ज है उसको होल्ड करना होता है। पहले तो चाकू से कोने कोने में आप कट मारे, फिर इसको अच्छे से बीच में चलाते हुए स्मूथली ले जाए। ये देखिए हमारी केक स्लाइस तैयार हो गई है। तो पहली स्लाइस लेके इसे शुगर सिरप से हम कर देंगे सोक। तो शुगर सिरप आप अपने हिसाब से मीठे के हिसाब से बना सकते हैं। कंडेंस मिल्क डाला है हमारे इस केक स्पॉन्ज में। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच पाउडर शुगर में 1/4 कप पानी ले लिया है और अच्छे से घोल लिया है। और यहाँ पे मैंने बिल्कुल परफेक्ट स्टिक पीक वाली हमारी ये विप क्रीम ले ली है। तो इसकी रेसिपी आप मेरे किसी भी केक की रेसिपी में देख सकते हैं। उस केक की रेसिपी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगी, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। अब पैलेट नाइफ की मदद से इसको हम अच्छे से स्मूथ कर लेंगे और साथ ही बची हुई क्रीम को हम क्रम कोटिंग करते हुए लेबल करते जाएंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच पाइनएप्पल क्रश और 1 छोटे वाले पैलेट नाइफ की मदद से इसे अच्छे से फैला दे रही हूँ। लेकिन हमारे पूरे केक में पाइनएप्पल क्रश को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही बैलेंस करें, क्योंकि अगर पाइनएप्पल क्रश ज्यादा हो जाएगा तो ये केक का जो टेस्ट है वो थोड़ा सा बिगाड़ सकता है। तो आप इसमें 1 बड़ा चम्मच ही यूज करें। तो अब दूसरी स्लाइस को ले ली है और इसको अच्छे से हम सेट करेंगे, फिर शुगर सिरप से इसको सोक करते जाएंगे। शुगर सिरप हमारी व्हिप क्रीम को फैलने में और हमारे केक को सॉफ्ट बनाए रखने में हेल्प भी करता है, तो ये आप स्टेप जरूर करें। और मैं हमेशा व्हिप क्रीम को बनाने के बाद इसको जितनी भी लेयर का मेरा केक बनता है या स्लाइस यूज होती है उतनी पाइपिंग बैग में डाल के पहले से ही रेडी कर लेती हूँ, जिससे मुझे बहुत ही ज्यादा आसानी और मेरा केक बहुत ही जल्दी बनता है। तो अब इसे पैलेट नाइफ से हम स्मूथ करते जाएंगे, साथ ही क्रम कोटिंग भी करते जाएंगे। क्रम कोटिंग से हमारी फाइनल जो फिनिशिंग आएगी वो बिल्कुल स्मूथ और क्लियर रहेगी। बस पैलेट नाइफ को आप बिल्कुल स्मूथली हैंडल करें, ज्यादा प्रेशर देने की इसमें जरूरत नहीं पड़ती है। और पाइनएप्पल क्रश आप 1 बड़े चम्मच से ज्यादा यूज ना करें। ये पाइनएप्पल क्रश आप मार्केट से आसानी से खरीद सकते हैं और काफी इजीली आपको मिल भी जाता है। ऑनलाइन लेना है तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इसका लिंक जरूर चेक करें। फाइनल स्लाइस मैंने रख दी है और इसको हल्के से हम प्रेस करेंगे जिससे ये अच्छे से सेट हो जाए हमारी व्हिप क्रीम में और बिल्कुल भी हिले नहीं। तो शुगर सिरप से फाइनली इसको हम सोक कर देंगे। और व्हिप क्रीम से फाइनल वाली कोटिंग भी हम लगा देंगे। ये बिगनर्स के लिए सबसे इजी स्टेप है आइसिंग करने के लिए, कि पाइपिंग बैग में व्हिप क्रीम को भर लिया और उसको इस तरीके से अप्लाई किया। अब इसे फाइनली हम क्रम कोटिंग में स्मूथ कर लेंगे और जितने भी क्रम्स हैं वो हमारे इसमें हाइड हो जाएंगे और हमारी फाइनल केक की स्मूथनिंग बहुत अच्छी आएगी। अब मैं एक और पाइपिंग बैग में व्हिप क्रीम लेके देखिए कुछ इस तरीके से लाइनिंग बना रही हूँ और इसको फिर हम बाद में स्मूथ करेंगे तो हमारी केक की फिनिशिंग जो है वो बहुत ही अच्छी आएगी। नीचे करने के बाद इसका हम ऊपर भी जो बचेगी व्हिप क्रीम उसको लगा देंगे तरीके से। और पैलेट नाइफ की मदद से इसको अब हम बिल्कुल स्मूथ कर देंगे सारी अच्छी तरीके से। ये फाइनल हमारी आइसिंग चल रही है तो यहाँ पे आपको बिल्कुल बराबर तरीके से इसको सेट करना है, स्मूथ करना है पैलेट नाइफ की मदद से। जितना भी ये पार्ट है ऊपर का इसको स्मूथ करते जाएंगे।
अब केक बोर्ड को हम साफ कर लेंगे, क्योंकि केक बोर्ड को टाइम टू टाइम साफ करना भी जरूरी है। ये हमारी फाइनल आइसिंग हो चुकी है व्हिप क्रीम के साथ हमारे पाइनएप्पल केक की। अब इसे हम आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए। आधे घंटे बाद हमारा केक रेडी हो गया है। अब एक स्क्रैपर की मदद से मैं इसमें हल्का सा डिजाइन शेप दे दूंगी। अगर आप कोई भी ड्रिपिंग इफेक्ट वाला केक बना रहे हैं या जेल यूज कर रहे हैं या किसी भी तरीके का आप ड्रिपिंग इफेक्ट दे रहे हैं, तो आप इस तरीके से इसको जरूर ये स्क्रैपर से स्क्रैप करें या इसको अच्छे से परफेक्ट डिजाइन दे दें। इससे हमारी जो ड्रिपिंग इफेक्ट है वो बहुत ही अच्छी तरीके से आता है। तो अब मैंने ड्रिपिंग इफेक्ट के लिए यहाँ पे पाइनएप्पल जेल का यूज कर रही हूँ। मैंने इसे घर में ही बनाया है। अब देखिए मैं इसके बिल्कुल कोने कोने से फैला के इसे ले रही हूँ और मैंने इसकी जो टिप है वो ज्यादा नहीं काटी है, थोड़ी सी पतली ही काटी है। तो इसको कोने से ही आप करेंगे तो ड्रिपिंग इफेक्ट अच्छा आएगा। तो थोड़ा थोड़ा आप पहले पूरा करने के बाद देखेंगे कि ड्रिपिंग इफेक्ट आना स्टार्ट हो गया है। अगर कहीं पे कम ज्यादा है तो आप उसको और भी एक्स्ट्रा लेवल में दे सकते हैं। और इसे मैं कोने से अंदर की तरफ ले जा रही हूँ ताकि मुझे इसको फैलाने में आसानी हो और साथ ही साथ ये पूरी तरीके से हमारे केक के टॉप पे फैल भी जाए। जितना भी पाइनएप्पल जेल आप बनाएं उसको बाहर से अंदर की तरफ ले और फिर पैलेट नाइफ की मदद से अंदर की तरफ इसे हल्के हल्के लेते जाएं। और साथ ही देखिए ड्रिपिंग इफेक्ट भी आता जा रहा है। हमारी जो ये जेल है पाइनएप्पल ये नीचे की तरफ बहने लग रही है और इसको पूरी तरीके से हम हल्के हल्के करके अंदर फैला देंगे। तो पूरी तरीके से कवर हो गया है हमारा ये पाइनएप्पल जेल का टॉप। अब यहाँ पे मैंने व्हिप क्रीम से 1 mm वाली नोजल से नीचे की तरफ डिजाइन दे रही हूँ। और देखिये डिजाइन मैंने दिए है केक के बिल्कुल बॉटम में, और लेकिन केक बोर्ड पे नहीं लगाया है, इसे केक के ऊपर लगा रही हूँ। इससे हमारा जो केक की कटिंग के टाइम में ये डिजाइन उसके साथ ही कैरी हो जाती है। और साथ ही ऊपर यहाँ पे मैं स्टार नोजल से यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिजाइन दे रही हूँ जो कि बहुत ही कॉमन है। बस आपको राउंड राउंड घुमाना है और 2 लेयर में ले जाके इसे स्टॉप करना है। और यहाँ पे मैंने थोड़ी बची हुई व्हिप क्रीम में रेड कलर को ऐड करके थोड़ा सा नाम दे रही हूँ, क्योंकि मेरे पास टैग नहीं है। तो यहाँ पे मैं मिस्टर एंड मिसेस लिख रही हूँ। और ये जो नोजल है मेरी ये नेम वाली ही है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा मोटी हो गई है जिस वजह से नाम पूरा नहीं आया है। और साथ ही मैंने बची हुई व्हिप क्रीम को थोड़े थोड़े हल्के हल्के स्टार नोजल में से लेके देखिए इस तरीके से लगा दिया है, तो जगह बची थी बीच में। और साथ ही इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ ये शुगर कैंडीज, ये रेनबो शुगर कैंडीज है। आपको मार्केट में ये भी बहुत आसानी से मिल जाएंगी, नहीं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इसकी लिंक को भी चेक कर सकते हैं। तो हमारा केक बनके रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल हमारा ये केक लग रहा है। और कौन कहेगा कि ये मार्केट का नहीं घर में बनाया हुआ केक है। तो चलिए अब इसका हम फाइनल कट करके भी आपको दिखाते हैं कि ये केक हमारा कितना बढ़िया परफेक्ट तरीके से बना है। बेकरी का केक तो आपका फेल हो जाएगा इस केक के आगे। तो नाइफ चलाएंगे, इसमें बहुत ही स्मूथली चल रहा है। इसमें ये देखिए है ना, बिल्कुल परफेक्ट आइसिंग के साथ हमारा ये पाइनएप्पल केक। अब इसे एक प्लेट पे सर्व करके थोड़ा सा खा के एंजॉय किया जाए। आप लोग अपने घर में खा के एंजॉय करना, पहले इसे बनाइए और फिर अपने अनुभव भी मुझे कमेंट्स में शेयर कीजिए, क्योंकि मैं आपके संग इसी तरीके की बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग केक की रेसिपी साथ ही बहुत ढेर सारी रेसिपीज भी शेयर करती हूँ। आप इस केक को अपने घर में एक बार बना के जरूर ट्राई करें। आई होप आपको ये केक की रेसिपी बहुत ज्यादा पसंद आएगी। और अगर आपको ये थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं। तो मैं मिलती हूँ आपसे एक और नई रेसिपी के साथ, तब के लिए बाय बाय।